एक स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे होते हैं, तभी ऊपर से कुछ पॉटी आकर गिरता है और लड़की देख लेती है। वो पूछती है कि ये तुमने किया है, तो वो मना कर देता है, नहीं मैंने नहीं किया है। तभी फिर वो अपने सामने वाले से पूछती है कि क्या ये तुमने किया है, तो वो भी मना कर देता है। तभी ऊपर से एक और पॉटी आकर गिरती है, फिर वो लोग देखते हैं ऊपर से आ रही है और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। ऊपर देखते हैं तो एक हाथी ऊपर से पॉटी कर रहा होता है और वो कुछ देर में पूरा पेट साफ करके वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसी में दबके रह जाते हैं। एक समुद्र में एक बड़ा सा जहाज़ जा रहा होता है जिस पे तीन लोग सवार होते हैं। वो जहाज़ एक बड़े से चट्टान से टकराकर पानी में डूब जाता है और वो तीनों पानी में तैरने लगते हैं। कुछ दूरी पर उन तीनों को एक आइलैंड दिखाई देता है। वो लोग उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस पर जाने लगते हैं। वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच करके देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है। एक दोस्त खाने की तलाश में अंदर चला जाता है और दो दोस्त वहाँ बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो दोस्त कुछ ढूंढ कर लाता है जो तीन बीज होते हैं। वो तीनों एक एक बीज खा लेते हैं और फिर से दोबारा तीनों वहीं पर बैठकर किसी जहाज़ के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है पर कोई जहाज़ वहाँ से नहीं गुजर रहा होता है। तीनों को बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई होती है पर वो तीनों इंतजार करते रहते हैं जहाज़ के आने का। तभी एक दोस्त उसमें से तीन कील निकालता है और खाकर सुसाइड करने का आइडिया देता है, पर वो लोग उसी को मार देते हैं उस कील से और मार कर आग के ऊपर भूनने लगते हैं। भून कर पका कर खाना शुरू कर देते हैं। उसकी खुशबू देख कर वहाँ पर जहाज़ वाले भी आ जाते हैं और जहाज़ वाले को देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उस जहाज़ पर चढ़कर वो लोग चले जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक जंगल में हाथी होता है जो एक जाल में फंस जाता है। वो बहुत रो रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो लड़की उसका जाल से पैर हटा देती है और उस हाथी की दोस्त बन जाती है। वो उस हाथी पर चढ़कर घूमने लगती है और उन तीन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा होता है। हाथी भी उसका दोस्त बन चुका होता है। वो लोग पूरे जंगल की सैर करते हैं, नदी में जाकर नहाते हैं और फिर झूला भी झूलने के लिए जाते हैं। और फिर वो लड़की उस हाथी को होटल भी लेके जाती है। होटल में वो दोनों खाना भी खाते हैं। तभी उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके वो लड़की उसे एयरपोर्ट लेके जाती है। वो विदेश जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चेकिंग वाला देखता है कि ये तो हाथी है और वो गेट बंद कर देता है। फिर वो गेट खोल देता है। तभी वो लड़की बहुत चालाक होती है। वो लड़की उस हाथी का दांत काट लेती है और उस हाथी को टाटा बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। और हाथी बेचारा नाराज़ होकर के रोने लगता है। उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लड़की एक प्राइवेट एरोप्लेन वाले के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देती है। वो बोलती है हवा में आतिशबाजी करने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहती है वो। और वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को जाकर बोलती है कि देखो आसमान की तरफ देखो। और उसका बॉयफ्रेंड आसमान की तरफ जब देखने लगता है तब वो देखता है कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है। एक एरोप्लेन है जो आसमान में दिल बना रहा होता है। वो देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो लड़की भी उसको खुश कर रही होती है। तभी फिर वो एरोप्लेन वहाँ पर और भी आतिशबाजी करने लगता है। वो देखकर वो लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो एरोप्लेन वाला और बम पटाखे भी फोड़ रहा होता है। तभी एरोप्लेन में आग लग जाती है और वो पायलट उस एरोप्लेन से पैराशूट लेकर कूद जाता है। वो लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि वो एरोप्लेन उसके बॉयफ्रेंड पर आकर गिर जाता है और उसके बॉयफ्रेंड का वहीं पर चटनी बन जाती है और वो पायलट भी वहीं पर आकर गिरता है। तभी वो लोग देखते ही रह जाते हैं। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट के दांत में दर्द हो रहा होता है और वो बैठा हुआ होता है। तभी उसे डॉक्टर अंदर बुलाता है और वह मुंह खोलता है तो दिखाता है कि उसके कौन से दांत में दर्द है। उसका एक दांत सड़ चुका होता है। वो डॉक्टर आँख बंद करके दांत निकाल देता है। वो सड़े हुए दांत की जगह अच्छे दांत को निकाल लेता है। तभी फिर से वो वैसे ही करता है। वो उसके सारे दांत धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर देता है पर उसका सड़ा हुआ दांत अंदर ही रह जाता है और उसका सारा दांत बाहर आ जाता है। वो देखकर पेशेंट बहुत घबरा जाता है पर वो डॉक्टर पागल की तरह सारे दांत को निकाल कर फेंक देता है। लास्ट में वो फिर उस सड़े हुए दांत को देखता है, वो बचा हुआ होता है। फिर वो उस दांत को जाकर निकालता है और डॉक्टर फिर बहुत खुश हो जाता है और पेशेंट को भी शाबाशी देने लगता है। पेशेंट वहाँ से निकल कर चला जाता है और तभी वहाँ पर एक परी आती है जिसको डॉक्टर सारे दांत उठा करके दे देती है और वो परी उस डॉक्टर को कुछ पैसे दे देती है। ये डॉक्टर ऐसे करके लोगों का दांत लूटती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक कार से एक लड़की जा रही होती है और तभी उसको रास्ते में एक लड़का मिल जाता है जो वही लड़का होता है जिसका डॉक्टर ने दांत निकाल लिया होता है। एक लड़का एक होटल में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे बोलता है कि चलो हम लोग गर्म पानी में नहाएंगे हॉट वाटर में। वो लड़की भी मान जाती है और वो लड़की उसके साथ चली जाती है। वो उसे अपने घर लेकर के आता है और उसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम देता है, बोलता है इसे पहन करके तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और वो लड़की उसे पहनने के लिए अंदर चली जाती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है किसी काम से। और वो लड़की उसके अंदर जा करके वो बाथिंग टब में नहीं जाती है, वो वहाँ पर एक फिश के उसमें चली जाती है। और वो जब तक बियर लेने के लिए जाता है, जब वो अंदर आता है बियर लेकर करके, तब वो देखता है कि बाथिंग टब में तो लड़की है ही नहीं। फिर वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी पीछे उसके फिश वाले में फिश एक्वेरियम में देखते हैं कि लड़की बैठी हुई है और उसे मछली नोच नोच करके खा रही है। उस लड़की की मौत हो जाती है वहीं पर।
कुछ लोग आर्मी वालों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, आर्मी वाले हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और सारे आर्मी के जवान अपने अपने घर वालों से मिलने लगते हैं, अपनी पत्नी से। वहाँ पर एक लड़की ऐसी खड़ी रह जाती है, उससे कोई मिलने के लिए नहीं आता है। तभी उसका बीएफ भी वहाँ पर मिलने के लिए उससे आ जाता है और वो उसे आकर के वहाँ से प्रपोज करता है और वो उसे रिंग देने की जगह पर वो बम का पिन निकाल कर उसे हाथ में पहना देता है। तभी फिर पॉकेट में वो हाथ डालता है तो रिंग फिर से निकलती है। तब वो सोचने लगता है दो रिंग कहाँ से आ गई, और फिर उसके हाथ में देखता है तो बॉम्ब फट जाता है और वो मर जाता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।